कैमूर जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए घर में चल रहे देह व्यापार के धंधे में युवक युवती को रंगे हाथों धर दबोचा। कैमूर में जहां देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ, कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए, वहीं रंगे हाथ एक युवक युवती भी पकड़ा है। भभुआ के वार्ड नंबर 9 में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, स्कूल के नाबालिग लड़कियों को भी बनाया जा रहा था अवस्था शिकार। पैसे के लालच में स्कूली बच्ची करती थी देह व्यापार। वहीं कैमूर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। घर के मालिक और उसकी पत्नी चलाती थी देह व्यापार का धंधा, सभी को जेल भेज दिया गया है। लाल युवती को उसके घर वालों को सौंप दिया गया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। के शहर के वार्ड नंबर 9 में एक घर में अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है और उसमें पति पत्नी संलिप्त है और खास तौर से कम उम्र के और स्कूली बच्चियों को उस धंधे में फंसा करके और देह व्यापार कराया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल छापामारी की गई और वहां से रंगे हाथों मकान मालिक, उसकी पत्नी और एक लड़के को जो इस उद्देश्य से गया था वो पकड़ा गया। कई अवैध और आपत्तिजनक सामान वहाँ से बरामद हुए, सबको जेल भेजा जाएगा। सर लड़की भी बरामद हुई वहाँ? एक बच्ची है लेकिन वो पीड़ित है, वो बताई है कि मतलब ऐसे से हमको फंस बैला फंसा के लाया गया था, तो मुक्त किया जा रहा है उसके गार्जियन को।